एक सवाल लगातार पंद्रह दिनों से जब से ये है, हैदराबाद में डॉक्टर दिशा का जो मामला हुआ हालांकि यहाँ भी भी नाम जैसा भी श्वेता बता रही थी कि असली नाम क्यों छुपाते हैं हम लोग उसके बाद एक इनकाउंटर होता है अपने बीस साल के क्राइम रिपोर्टिंग के करियर में मैंने सौ से ज़्यादा इनकाउंटर कवर किए हैं पहली बार ऐसी तस्वीर देखी अपनी लाइफ में कि पुलिस वाले जब इनकाउंटर करते हैं तो पब्लिक खुश होती है पुलिस वालों पे फूल बरसा रही है मिठाई बांटी जा रही है यहीं से मैं शुरू करता हूं क्योंकि आप जज रही है जस्टिस मेरा एक एनकाउंटर को लेकर लोगों की जो खुशी थी देश में क्या मान के चलें कि इंसाफ और जो जुडिशल सिस्टम है हमारा इन सारी चीज़ों से अदालत से लोगों का भरोसा सा उठ गया है देखिए पब्लिक को आज भी जुडिशरी के ऊपर बहुत भरोसा है लेकिन जो डिले हो रही है इसके लिए लोग वेट नहीं कर सकते अभी आपने सुना निर्भय के मदर को सात साल से वो सुप्रीम कोर्ट में अपील पेंडिंग है और अभी तक डिसाइड नहीं हुई तो ये जहाँ तक न्याय का सवाल है लोग अभी भी न्याय के ऊपर विश्वास करते हैं लेकिन न्याय देने के लिए दोनों पक्षों का होना क्विक कर काम करना ज़रूरी है पुलिस का और जुडिशरी का हमने कई बार रिकमेंड किया कि इन्वेस्टिगेशन ब्रांच एंड प्रोसिक्यूशन ब्रांच पुलिस की सेपरेट कर दी जाए फ्रॉम नॉर्मल पुलिसिंग लेकिन आज तक नहीं हुआ जब तक ये नहीं होगा इन्वेस्टिगेशन क्विक नहीं होगी और डिसीशन भी क्विक नहीं आएंगे इसके लिए सबसे पहला ज़रूरी है काफ़ी ज़्यादा लॉट ऑफ पुलिस ऑफिसर शुड बी देयर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए और ये हमारी सजेशन दिल्ली हाई कोर्ट की रही है कि आप ऐसी वैन तैयार करें जिसमें साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल हो एंड जहाँ तक मेरी मेमोरी सर्व करती है श्री अजय राज शर्मा ने मेरे को ही प्रॉमिस किया था कि हमने एक वैन तैयार कर ली है जिसके अंदर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट फॉरेंसिक साइंस और सैंपल लिफ्टिंग के सारे प्रोविशन होंगे वो वैन कहाँ यूज़ हुई उसके बाद हुई कि नहीं हुई आई एम नॉट श्योर लेकिन अगर साइंटिफिकली आपने इमीडिएटली लिफ्ट कर लिया तो हाफ ऑफ द बैटल इज़ वन तो आपको दोबारा दोबारा इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं है सेकेंड सजेशन दिल्ली हाईकोर्ट की थी और निर्भय के केस में स्पेशली कि देर शुड बी वन स्टॉप सेंटर जहाँ रेप की विक्टम को नॉर्मल हॉस्पिटल में जाना ना पड़े क्योंकि जब एक लड़की नॉर्मल हॉस्पिटल में लेके जाए जाती है तो जो पब्लिक वहाँ बैठती है उसकी निगाहें जो होती है, वो बड़ी पिरसिंग होती है और बड़ी पिंच करती हैं उस विक्टम को तो इसलिए हमने ये सजेस्ट किया था कि एक सेपरेट विंग कर दिया जाए जहाँ एक एक्सपर्ट डॉक्टर एक्सपर्ट नर्स जिसको ये मालूम हो कि कौन सा सैंपल कब लेना है और वही फ्रेंसिक साइंस का आदमी होना चाहिए और सी का एक ये विंग होना चाहिए जो वहीं के वहीं सैंपल ले ले आपने कहा कि पुलिसिंग की दो हिस्सों में बांट देना चाहिए एक लॉ एंड ऑर्डर देखे और एक जो प्रोसिक्यूशन पूरा नॉर्मल पुलिसिंग यहाँ पे नीरज कुमार साहब बैठे हैं मैं जानता हूँ कि जो भी पुलिस स्टेशन में जो एक एस होता है अगर वो हीनियस क्राइम है वो खुद कोर्ट में उसको प्रेजेंट होना होता है तो क्या ये मुमकिन है कि पुलिस को दो हिस्सों में बांटा जाए एक लॉ एंड ऑर्डर देखे और एक सिर्फ डे टू डे जो कोर्ट की जो के कोर्ट के आपके सारी चीज़ें हैं इससे थोड़ी जल्दी आएगी कोर्ट में मामला फैसला जल्दी हो नहीं इन्वेस्टिगेशन और प्रोजिक्यूशन अलग अलग विभाग हों इसमें तो कोई मतभेद हो ही नहीं सकता लेकिन एक रिफॉर्म जो रिकमेंड किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि पुलिस स्टेशन में ही एक इन्वेस्टिगेशन विंग हो और एक लॉ एंड ऑर्डर विंग हो जो लॉ एंड ऑर्डर विंग हो वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को डील करे और जो इन्वेस्टिगेशन विंग है वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन को विंग करे ये एक सुप्रीम कोर्ट का आ, आदेश है जो प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के आ, केस पे सुप्रीम कोर्ट ने दिया है लेकिन अगर आप एक पहली बात तो है पुलिस स्टेशन में इतना स्टाफ नहीं होता कुल मिला के छः सात सब इंस्पेक्टर्स होते हैं एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मान लीजिए पच्चीस या तीस आ, अदर रैंक्स होते हैं अब इनको आप अलग अलग कर देंगे और जैसा कल हुआ जामिया मिलिया में अब जामिया मिलिया में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी या किसी और पुलिस स्टेशन के लोग जब जाएंगे और अगर इन्वेस्टिगेशन वाले कहें कि मैं तो नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा काम सिर्फ इन्वेस्टिगेशन है तो बच के सिर्फ दो सब इंस्पेक्टर और वो दस सिपाही जा, जा पाएंगे तो ये मुमकिन नहीं है और वैसे भी ये ठीक नहीं है क्योंकि पुलिस स्टेशन एक टीम है अगर इन्वेस्टिगेशन टीम को ज़रूरत पड़े दूसरे हिस्से के लोगों की तो वो उसकी मदद कर सके एंड वाइस ए इसलिए मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर को अलग अलग हिस्सों में बांटा जाए लेकिन मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ कि इन्वेस्टिगेशन और प्रोजीक्यूशन को अलग अलग रखा जाए अगर दोनों को नहीं बांटा गया फिर बात वहीं आएगी कि इंसाफ में जो डिले होगा जैसे अभी हम निर्भया को लेकर बात कर रहे थे सुनील गुप्ता साहब हैं लगभग 30 पैंतीस छत्तीस साल तिहाड़ जेल में इन्होंने गुजारा है लॉ ऑफिसर हैं जेलर भी रहे हैं, जिस तरीके से देरी होती है और एक चीज़ और आपको बताऊं कि इस देश में इस अभी क्राइम बढ़ रहा है लेकिन देश में जेलों की तादाद कम हो गई है पिछले कुछ सालों में और तिहाड़ में अगर कोई एक कैदी भी जाता है जो पाँच सौ चुराता है और उसको तिहाड़ में ले जाके बंद करते हैं अभी मुझे बता रहे थे पर डे उसके ऊपर साढ़े चार सौ रुपये खर्च आता है पर डे अगर वो दस दिन रहता है तो पाँच सौ का उसने जुर्म किया साढ़े चार हज़ार रुपये तो उसको जेल में खाना खिलाया जा रहा है तो ये दो अलग अलग हिस्से होंगे नहीं जैसा नीरज कुमार साहब ने कहा तिहाड़ में कैदियों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे भी अंडर जो अंडर ट्रायल है वो बहुत ज़्यादा है फिर आप इन बोझ को कैसे जैसे एक और भी आपने चीज़ बताई थी दो में ही अफजल गुरु के लिए फांसी का फंदा खरीद लिया गया था जब फैसला आया था लेकिन 2013 में फांसी हुई आठ साल बाद वो रस्सी बेकार हो गई थी तो कैदियों की ये जो संख्या बढ़ती जा रही है फिर इसका क्या हाल है देखें जो ये कैदियों की संख्या बढ़ रही है इसके लिए कई सारे छोटे शॉर्टकट मेथड जो अपनाए जाते हैं जैसे आप सब जानते हैं लोक अदालत लगती है स्पेशल कोर्ट्स लगती हैं जिसमें कि छोटे मोटे ऑफेंसेस में लोग जो आते हैं उनको जेल में ही छुड़वा दिया जाता है कटी पे छोड़ दिया जाता है और अब तक करीब करीब छः साढ़े छः हज़ार केसों में जो है आ, उन, उनका निपटारा हो चुका है साढ़े छः हज़ार केस जो है कम कर हो चुके हैं अब जहाँ तक जेलों की बात है जेलें कम हो रही हैं हमने बिल्कुल ठीक कहा है मैं एन की नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की स्टेटिस्टिक्स लाया हूँ दो की 2016 में हमारे पास 1412 सौ बारह जेलें थीं तो दो में ये तेरह हो गई पैंतालीस जेलें जो है खाली वहाँ पे महाराष्ट्र में बंद हुई हैं और कुछ और जगह पे ये जेलें बंद हुई हैं अब आप देखें जो एक्चुअल कैपेसिटी थी प्रिजनर्स की वो थी तीन लाख इक्यानवे हज़ार पाँच सौ चौहत्तर लोग मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ आपको तीन लाख इक्यानवे हज़ार पाँच सौ चौहत्तर लोगों की एक्चुअल कैपेसिटी थी रखने की उसके अगेंस्ट चार प्रिज़नर जेलों में थे इंडिया की जेलों में 115 परसेंट जो है ओवर क्राउडिंग थी और अगर इसमें हम इसको और फर्दर थोड़ा बारीकी से जाएं, तो करीब करीब 30 परसेंट पॉपुलेशन जो है वो कैदी की है और 70 परसेंट जो है वो अंडर ट्रायल्स की है अगर मैं शमसी आपको बताऊं, आज से अगर 10 साल दस साल पहले की मैं फिगर्स बताऊं 10 साल पहले जो है पैंसठ परसेंट हमारे पास अंडर ट्रायल थे पैंतीस परसेंट कन्विक्ट थे अब आप देखिए सिचुएशन कितनी बदतर होती जा रही है कि पैंसठ से 70 परसेंट अंडर ट्रायल आ गए हैं और 30 परसेंट पर कन्विक्ट गए हैं यह कहा जाता है कि अगर आपका क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें कि पुलिस आती है जुडिशरी आती है प्रोसिक्यूशन आता है यह कहा जाता है कि अगर आपकी जेल में जेलें क्या है जेलें एक आईना है हमारे क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन का अगर आपकी जेलों में अंडर ट्रायल ज्यादा है तो ये कहा जाता है कि आपका सिस्टम जो है लिथार्जिक है अगर आपकी जेलों में कन्विट्स ज़्यादा हैं तो ये माना जाता है कि आपका सिस्टम जो है एफिशियंट है तो इससे मैं मैंने जो स्टेटिस्टिक्स आपको बताई हैं इससे साफ पता लग रहा है कि डे बाय डे सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार फ्रस्ट्रेशन दिखाई है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है नॉन एग्जिस्टेंट है और एकदम डेटोरेट हो रहा है उसके बावजूद भी इतनी सुप्रीम कोर्ट की डांट के बावजूद ये सिस्टम हमारा डे बाई डे जो है ख़राब हो रहा है अंडर ट्रायल ज़्यादा है कन्विक्शन कम है जो कन्विक्टेड कहती है जॉन दयाल साहब आपके पास आना चाहूँगा एक किसी को अगर फांसी की सज़ा होती है सात साल आठ साल दस साल पंद्रह साल वो उस सज़ा के बाद भी जेल में रहता है पर डे साढ़े चार सौ के हिसाब से उसके ऊपर हम खर्च भी कर रहे हैं तो फिर ये अपने आप में आपको लगता है कि अगर फांसी है तो देना चाहिए एक टाइम फ्रेम होना चाहिए सब कुछ मेरा ख्याल है हर चीज़ के लिए टाइम फ्रेम होना चाहिए मगर आपका जवाब देने से पहले मैं दो छोटी पर्सनल बातें रखना मांगता हूँ पहले तो मैं नतमस्तक हूँ निर्भया की माँ और उसके आंसू के सामने और उसके सवालों का कम से कम मैं तो जवाब कभी दे ही नहीं पाऊँगा उसी से एक जवाब आता है सवाल अक्सर आता है ट्रोल्स और बाकी लोग पूछते हैं कि क्या अगर आपकी बीवी और आपकी बेटी का रेप होता तब भी क्या आप डेथ पेनल्टी को अपोज करते तो मैं खेरा इस बड़े फोरम पर भी कहना मांगता हूँ मेरी बहत्तर साल की बीवी है और चवालीस साल की बेटी है और मैं खुद हूँ किसी के साथ होता मेरा पोजीशन वही रहता एक्टिविज्म और डेथ पेनल्टी का पोजीशन एक मॉरल पोजीशन है एक्टिविज्म कोई पेशा नहीं है और उस मॉरल पोजीशन को आने के लिए एक रीजनिंग है एक आर्गुमेंट है आपने जो सवाल किया क्या जस्टिस को टाइम बाउंड होना चाहिए बाकायदा होना चाहिए हर क्राइम हर क्रिमिनल को पनिशमेंट मिलनी चाहिए एज इन लॉ क्वांटम ऑफ पनिशमेंट जज हैं, रूलिंग देते हैं उसके बाद कहते हैं जजमेंट रिजर्व या जजमेंट भी दे देते हैं और कहते हैं क्वांटम ऑफ पनिशमेंट टू बी फिक्स लेटर क्वांटम ऑफ पनिशमेंट को जस्ट जस्टिस से जजमेंट से अलग रखते हैं उसके लिए बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं कानून में खुद लिखा है द मोस्ट हीनस गृणित से गृणित ज़्यादा आप ग्रेडेशन कर रहे हैं क्राइम्स की उनकी रम की जिसमें अंतर्गत पुराने ज़माने में सजाएं मौत थी तीन के अंतर्गत अब उसमें ग्रेडेशन कर रहे हैं कि किस को सजाए मौत दी जान तो आपका जो अरबाइटर का रोल था अबिट्रेशन का रोल था आपने अपने आप को इंसान से लेके अच्छा एक इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं भगवान नहीं यहाँ पर एक बेसिक सवाल है जस्टिस किसको मिलेगा जिसका क्राइम प्रूव हो जज साहिबा ने बात की और हम खुद हम जानते हैं जब रेप होता है इन्वेस्टिगेशन ही सब कुछ है वहीं पर डिसाइड हो जाता है फांसी होगी या नहीं होगी अगर इन्वेस्टिगेशन ठीक है फुल प्रूफ है विटनेस प्रोटेक्शन है विटनेस आ रहे हैं पुलिस साथ दे रही है सारा प्रोसेस चलता रहेगा और रूटीन में भी जजमेंट जल्दी आ जाएगा जहाँ पर फॉरेंसिक्स ठीक नहीं है जहाँ पे हैदराबाद में किस्सा फंस जाता है जहाँ पे पर ट्रेन पर्सनल नहीं है वहाँ पे कैसे होगा प्लस सोशल फैक्टर्स दिल्ली में डिफेंस कॉलोनी में तब भी ये तो हेवन है गाँव में क्या होता है क्यों आधे मुझे पकड़े नहीं जाते हैं अपनी जात से अपने पेशे से अपने पैसे से अपनी औकात से हम लोग सब इलीट हैं वहाँ पर क्या होता है पुलिस वाला किसी एम एल ए के घर पर गरीवाल पर हाथ डाले वो तो कलेक्टर नहीं डाल पाता है तो जस्टिस का एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉडल आ जाता है सामने और वहाँ पर डेथ पेनल्टी जस्टिस नहीं एक, एक फ्रेज हो जाता है उसको अगर जन्म कैद भी दे दी जाए जिसने क्राइम किया है तो काफ़ी है यहाँ पे एक चीज़ आ रही है जस्टिस की बात करें दो चीज़ें हैं हम सब बहुत बात करते हैं कि इंसाफ इत, इतना टाइम क्यों लगता है इतना वक्त क्यों लगता है जबकि जो हमारा पूरा क्रिमिनल सिस्टम है आई और सी आर उसमें क्लियर है आप तमाम सब होनेहार लोग बैठे सी आर में मैंशन है कि एक मर्डर की सुनवाई डे टू डे बेसिस पे होनी चाहिए उसी तरीके से रेप के मामले में है कि सिक्स मंथ के अंदर अंदर छः महीने के अंदर अंदर इस केस का निपटारा होना चाहिए अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसके बावजूद भी इतने साल जो लगते हैं अगर ये सारी चीज़ें सीआरपीसी में मेंशन है कि छः महीने में इस केस का फैसला होना चाहिए डे टू डे मर्डर की का सुनवाई होनी चाहिए तो फिर क्यों नहीं होता अदालत का जो ये मजाक अदालत के अंदर ही कैसे फिर उड़ता है देखिए जैसे मैंने पहले भी कहा कि इन्वेस्टिगेशन अगर कम्प्लीट हो तो कोई कारण नहीं कि ट्रायल इमीजिएटली शुरू ना हो जहाँ तक मेरी मेरा मेमोरी जाती है सिक्सटीज तक एसएचओ अपनी अपनी मर्डर मैटर में अपनी विटनेस सारी लेके कोर्ट में आता था और कैंप लगा के बैठता था हर विटनेस को एग्जामिन हो करता था और तीन महीने में फैसला हो जाता था आज क्यों नहीं हो रहा अब नीरज कुमार जी ने कहा कि जी पुलिस अगर वहाँ जाएगी जे में या जामिया इस्लामिया में तो वो हम कैसे छोड़ दें इन्वेस्टिगेशन वाले को इन्वेस्टिगेशन इज ए स्पेशलाइजेशन ये नहीं आप मिक्सअप नहीं कर सकते नॉर्मल पुलिसिंग वाले को आप दे दो इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टिगेशन वाले को दे दो नॉर्मल पुलिसिंग करने के लिए जब तक इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर ना हो केस सक्सीड नहीं हो सकता और केस आगे चल भी नहीं सकता नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में आप देखोगे कोर्ट का रिकॉर्ड शो करेगा कि एफ आई आर ही चार चार छः छः महीने के बाद फाइल हो रही है तो कैसे ट्रायल होगा छः महीने के अंदर और फिर विटनेस नहीं आ रही हैं यहाँ तक कि हमें आई ओ को वारंट भेजना पड़ा कि तुम क्यों नहीं आ रहे तो उसका यही जवाब था जी मेरी ड्यूटी लगी हुई थी ट्रैफिक में या किसी वी आई पी के साथ इसलिए मैं नहीं आ सका जब विटनेस आई ओ तक ही नहीं आ सकता तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जुडिशरी इतनी जल्दी काम ख़त्म कर दे नीरज साहब रेप के केस में ये आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 25 फाइव परसेंट कन्विक्शन रेट है मतलब हर चार रेपिस में से एक छूट जाता है तो जाहिर सी बात है सीधे उंगली इसलिए पुलिस पर उठती है कि बेसिक काम पुलिस का है एक जो भी गुनहगार है उसको सज़ा दिलवाने के लिए सारी तैयारी पुलिस के लेवल पर होती है पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है सबूत विटनेस तो कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता है कि अगर मैं अदालत को साइड रखूँ कि पुलिस अपना काम ईमानदारी से कम से कम इन केसेस में नहीं कर रही है मैं दो बातें स्पष्ट करना चाहूँगा पहली बात तो ये कि आज निर्भया केस हुए पूरे सात साल हो गए हैं और आज बड़ी इत्तेफाक की बात है कि हम लोग मिले हैं और उस केस की चर्चा हो रही है उसके संदर्भ में और पहलुओं पर बात हम लोग बात कर रहे हैं निर्भया केस में दस दिन के अंदर हम लोगों ने चार्जशीट फाइल कर दी थी पुलिस हैड फाइल द चार्जशीट इन टेन डेज और अगर सात साल लग गए हैं उसमें डिसाइड करने में तो इसके लिए पुलिस जिम्मेवार नहीं है कोई ऐसा डेट नहीं हुआ जिस दिन पुलिस को वहाँ होना चाहिए था ट्रायल में आ, कि पुलिस वहाँ नहीं गई कोई ऐसी फॉरेंसिक एविडेंस जो है जिसको पुलिस को प्रेजेंट करना चाहिए था पुलिस ने नहीं किया ऐसा नहीं है सारे फोरेंसिक एविडेंस इन्वेस्टिगेशन सब कुछ समय पर हुआ है पैंतालीस हजार से ज्यादा रेप के, के केसेस में अभी भी कुछ दिल्ली पुलिस के ही है नहीं हुआ ये एक नजीर है क्योंकि निर्वा को लेकर जिस तरीके का देश में गुस्सा था वो मान सकता मैं है। मैं कुछ और कह रहा हूँ अगर सारा दोष पुलिस का ही है अगर सारी कमियां पुलिस में ही है तो इस केस में जब सब कुछ ठीक है तब क्यों सात साल लग रहा है मेरा सवाल ये है तो ये सारी बात को देखिए हम में एक टेंडेंसी है कि हम किसी एक पक्ष को या किसी एक सेक्शन को पर सारा दोष अपने आप को महसूस करते हैं अगर इसको हम ठीक कर दें तो सब कुछ ठीक हो जाए तो उस संदर्भ में मैंने ये सवाल पूछा है एक बात और क्लैरिफाई कर दूं कि जो मैंने इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर को सेपरेट करने की बात कही है एक पुलिस ऑफिसर को हम ये नहीं कहते कि ये इन्वेस्टिगेशन स्पेशलिस्ट ही है और ये जो है ये लॉ एंड ऑर्डर स्पेशलिस्ट ही है अ गुड पुलिस ऑफिसर शुड बी बोथ ही शुड बी अ गुड लॉ एंड ऑर्डर पर्सन एंड ही शुड बी अ गुड इन्वेस्टिगेटर मैंने सिर्फ एक बात कही है कि अगर पुलिस स्टेशन में उतने लोग हैं ही नहीं कि जिनको दो हिस्से में बांट दिया जाए तो आप उसके डिवीजन कैसे करेंगे अगर आपके पास पाँच छः सब इंस्पेक्टर एक थाने में है तो उनको ढाई ढाई तो आप नहीं बांट सकते ना कि ढाई सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करेंगे ढाई सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर करेंगे और अगर कितना भी बड़ा बवाल हो जाए शहर में या उनके दूरी में सिर्फ ढाई आदमी ही वहाँ जाएंगे ऐसा नहीं हो सकता ये मुमकिन ही नहीं है चाहे किसी का भी ऑर्डर आ जाए ये मुमकिन नहीं है जब तक उस किस्म की नफरी उस किस्म की संख्या पुलिस स्टेशन में ना हो तो इसलिए हम लोग को प्रैक्टिकल टर्म्स में सोचना है बहुत सारे ऐसे मामला हैं जिसमें आ, समय पर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किया गया सुचारू रूप से और सही कंप्लीट किया गया प्रेजेंट किया गया लेकिन हमारी जो कानूनी प्रक्रिया है मैं फिर किसी भी पर दोष नहीं देता ना मैं प्रोजिक्यूशन को दोष देता हूँ ना मैं जजेस ज़, ज़, को, दो, को दोष देता हूँ ना जुडिशल सिस्टम को दोष देता हूँ या जो बार बार तारीख़ पे तारीख़ तारीख़ पे तारीख़ मांगी तारीख तारीख जाती है और दे दी जाती है उस पर कोई बात कह रहा हूँ मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ कि अगर डिले हो रहा है और इस केस को एक टेस्ट केस एक केस स्टडी मान के हम लोग को इसको एनालाइज करना चाहिए कि देरी कहाँ कहाँ हुई और क्या हम उस देरी को कट कर सकते थे और निर्भया को और निर्भया के पेरेंट्स को क्या हम समय पर जस्टिस दिला सकते थे जैसा आपने कहा आपने दस दिन में चार्जशीट दाखिल कर दी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नौ महीने में निर्भया का फैसला सुना दिया था इसके बाद हाई कोर्ट ने एक साल दो दिन का टाइम लिया सुप्रीम कोर्ट ने फिर लगभग तीन साल दो महीने का टाइम लिया उसके बाद पिछले पौने दो साल से इस केस में कुछ नहीं हुआ अब शुरुआत हुई हैदराबाद के इशू के बाद फिर शायद हम सब जागे चलिए पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर लेती है जज साहिब फैसला सुना देती है उसके बाद भी कहाँ मामला आता है ये सुनील गुप्ता साहब बताएंगे कि इन्होंने तिहाड़ जेल में आठ ब्लैक वारंट हासिल किए इस वक्त हम सारे ब्लैक वारंट का इंतज़ार कर रहे हैं निर्भया के चार गुनहगारों का ब्लैक वारंट मतलब मौत का आखिरी पैगाम अब उसमें मौत की जगह तारीख वक्त सब लिखा होता है आठ ऐसी फांसी के आप गवा रहे हैं ऐसे कई फांसी तिहाड़ में हुए फैसला आए हुए बरसों हो गए एक आदमी जिसे पता है कि फांसी होनी है फिर वो पल पल कैसे हर दिन मरता या जीता है क्योंकि वो भी एक तरह से उसके साथ नाइंसाफी है जिसको लेके कई बार सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा उम्र क़ैद में तब्दील कर दी आप उसके बारे में बताए देखें जब जो आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि जिसको फांसी की सजा होती है वो पल पल मरता है बहुत बार ऐसा होता है कि लोग सुसाइड करने की कोशिश करते हैं या कुछ और करते हैं आ, दूसरे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं जहाँ तक ये ब्लैक औरट की आपने बात कही है मैंने आठ फांसियाँ अपने उसमें देखी हैं अपने टैन्य में सबसे पहले मैंने रंगा बिला की फांसी देखी थी मैंने 81 में तिहाड़ जेल को ज्वाइन किया था एज एसिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट तो सबसे पहली जो फांसी मैंने देखी थी वरंगा बिला की देखी थी उसके बाद जो दूसरी फांसी देखी मोहम्मद मकबूल भट्ट की देखी तीसरी जो फांसी देखी मैंने वो करतार सिंह उजागर सिंह की देखी वो बड़ी ट्रैजिक थी कि उसमें आपने जिसने मर्डर करवाया वो तो छूट गया बारह तेरह साल के बाद डॉक्टर जैन जो था हाँ जो दूसरा जिसने मर्डर किया पाँच सौ रुपये के ऊपर जिसने मर्डर किया उसको आपने फांसी पर लटका दिया उसके बाद जो है जो फांसी देख करतार उजागर के बाद जो है सतवंत सिंह किहर सिंह की फांसी मैंने देखी और लास्ट फांसी जो है अफजल गुरु अफजल गुरु की फांसी देखी तो फांसी जो है अभी हम जैसे निर्भया की बात कर रहे थे सर अभी बता रहे थे निर्भया का मैं आपको आ, क्लियर कर दूँ कि अगर ये किसी अच्छे वकील को अगर ये निर्भया के दोषी जो है मैं मैं जस्ट ये नहीं कह रहा कि वो करें अगर ये किसी अच्छे वकील को अगर ये अपना हायर कर लेते हैं मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि अभी एक डेढ़ दो साल तक फांसी इनकी नहीं हो सकती एक डेढ़ दो तो तो साल तक अभी इनकी फांसी नहीं हो सकती अगर ये जो कानून में जैसे जेल मैनुअल है जेल मैनुअल कहता है कि अगर चार लोग हैं चार लोग में अगर एक ने अगर मर्सी पटिशन लगाई है तो चारों की जो है वो फांसी रुक जाएगी अब सुप्रीम सिर्फ एक नंबर सी पिटिशन की मर्सी पिटिशन दी जाएगी। तीन, तीनों, तीनों है तो फिर जाएगी। ऐसे करके अगर करते रहेंगे तो वो रुकी रहेगी और मैं आपको बताऊं अब सुप्रीम कोर्ट का शत्रुघ्न चौहान की एक जजमेंट आई है 2014 में उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा नंबर वन ब्लैक वर जो इशू होता है उसकी कॉपी पहले अभी तक जो है एक्यूज को नहीं दी जाती थी अभी तक एक्यूज को नहीं दी जाती थी अब कॉपी एक्यूज को भी दी जाएगी उसके एडवोकेट को दी जाएगी मीन्स उसकी फैमिली को दी जाएगी और उसको चाहें तो उसको चैलेंज कर सकते हैं उसके बाद जो मर्सी पटिशन है मर्सी पटिशन जो है ब्लैक वारंट के बाद भी मतलब आप टाइम ले सकते हैं चैलेंज बिल्कुल बिल्कुल और अब अब एक और बात कही है कि मर्सी पटिशन जो आपकी रिजेक्ट हुई है राष्ट्रपति महोदय ने आपकी मर्सी पटिशन रिजेक्ट की है तो उन्होंने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया मर्सी पटिशन रिजेक्ट करने में उसके ऊपर उसको भी आप कोर्ट के आगे चैलेंज कर सकते हैं और उसमें तो आपको पता ही ये टाइम लगेगा इस हिसाब से तो अभी काफ़ी टाइम लगेगा का। हाँ अगर मैम बताया ये जस्ट मेरा सोचना है ये जी दयाल साहब आप हमेशा कहते हैं डेथ पेनल्टी को लेकर बहुत सारी चीज़ें जो जिस तरीके से बता रहे हैं कि फैसला हो गया फांसी की सजा हो गया उसके बावजूद भी वो जेल में वैसे ही पड़े हुए मौत का इंतजार कर रहे हैं तो आपको लगता है कि ये भी एक नाइंसाफी है यकीनन और यही मैं कह रहा था कि ये जजमेंट्स का जो क्वांटम है इसके पीछे एक बहुत ही कई चीज़ें भाग लेती है इसके अंदर और जो प्रोसेस है पहली बात तो जस्टिस प्रोसेस कंप्लीट प्रोसेस है क्राइम कमिट होने के एफ से लेके जब तक जजमेंट कैरी ना आउट हो जाए कंप्लीट प्रोसेस है उसमें मर्सी पटिशन्स का आप डिले मानते हैं मैं पटिशन मानता हूँ वो भी एक उसका कंपोनेंट है उसके बिना बाकी जस्टिस जस्टिस नहीं रहेगा अगर आप कहें सेशन जज ने फैसला दिया और बाद जलाद ने तलवार से गला साफ कर दिया तो वो जस्टिस नहीं होगा जस्टिस प्रोसेस एक पूरा श्रृंखला है और उसका आखिरी अंजाम तक बाकायदा श्रृंखला देनी चाहिए जस्टिस जो क्यों आया आप रेप्स का देख लीजिए हमारे देश में क्या है हमारी हाई कोर्ट्स सेशन कोर्ट्स कह रही है रेप, रेपिस से कि अगर आप पीड़ित महिला से शादी कर लेते हो तो आप माफ ये मैं बना के नहीं बना रहा हूँ ये रिकॉर्डेड रिपोर्टेड इवेंट्स है जिसके ऊपर जजेस को डांट पड़ती है सुप्रीम कोर्ट से जहाँ पे ये है जहाँ पे ये कहा जाता है कि मैरिटल रेप अगर हमने इसको क्रिमिनलाइज किया तो हमारा कल्चर ढह जाएगा वहाँ पर कैसे आप करेंगे और सिर्फ मॉप का सहारा ले आप कहेंगे कि फ़ौर दिया जाए कब मॉप राउस होता है कब नहीं होता है और मेरा मानना है कि हैदराबाद में जो हुआ वो एक सीमा है कि अगर आप बाहर जाने देते हैं बात को कानून रिस्पॉन्ड नहीं करता है इवेंट्स के ऊपर ठीक से तो किस तरह एनकाउंटर्स होते हैं और किस तरह उसको किया जाता है फारीस्ट नॉर्थ ईस्ट में एक किस्सा हुआ था जब उन्होंने पुलिस की भी सहायता ले ली मॉब ने जाकर कॉन्विक्ट को एक्यूज या, या सस्पेक्ट हमको अभी भी ये भी पता क्या था वो उसको कटगढ़ के अंदर वो जिनका लॉकअप होता है वहाँ से छुड़ा कर लाकर सड़क पर मारा टोटल शॉर्टकट हो गया जस्टिस का मेरा मानना है कि जस्टिस एक संपूर्ण प्रोसेस है आप ये नहीं कह सकते मर्सी पिटिशन को हटा दो आप ये कि हर पटिश्नर का हक है जब तक फंदा उसके गले में ना हो और उस वक्त भी उसका हक है कि अचानक राष्ट्रपति कहे कि माफ है ये ये सारे राइट दिए गए हैं मैं आखिरी में सभी से छोटा छोटा जवाब चाहूँगा सबसे पहले आप पूरा ये हम सब बात कर रहे हैं डिले डिले सब कुछ हो रहा है लेकिन छः महीने और तीन महीने में अगर सी आर पी सी मैंशन करता है कि फ़ैसला होना चाहिए चलिए इसको हम आप कहें कि लागू भी कर दें लेकिन आप बता रही थी कि जजेस के बड़े क्राइसिस हैं ही है नहीं जिस हिसाब से होने चाहिए फैसला करने के लिए वैकेंसी है या फिर एक्स्ट्रा चाहिए वो कभी हुआ नहीं देखिए लोअर कोर्ट में और हाई कोर्ट तक बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं अभी आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा जस्टिस संजय किशन कॉल ने कहा है कि छः महीने के अंदर सारी वैकेंसीज भर्ती करिएगा लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर डिले जुडिशरी ने की और ये होती है हाईएस्ट कोर्ट कोर्ट में जाके जैसे आपने अभी कहा निर्भय के केस में लोअर कोर्ट ने नौ महीने में डिसाइड कर दिया हाई कोर्ट ने हाई एक, एक साल एक साल के अंदर कोर्ट से अब सुप्रीम कोर्ट में जाके अड़ा हुआ अगर ये जुडिशरी रियलाइज नहीं करती कि क्विक जस्टिस डिस्पोज या दिया नहीं गया तो पब्लिक लॉ को अपने हाथ एक जज के तौर पे आप सिर्फ इतना बताएं कि आप मानती हैं कि हर एक कोर्ट के लिए एक टाइम फ्रेम होना चाहिए तीन महीना छः महीना नौ महीना या बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि एक्ट में ही प्रोविजंस हैं कि आपको इतने में करना है अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर नहीं कर रहे हैं तो वो रियलाइज करना पड़ेगा जुडिशरी हाइएस्ट जुडिशरी को भी कि कोई दिन ऐसा आएगा कि लोग लॉ को अपने हाथ में ले लेंगे नीरा साहब आपको नहीं लगता कि वो दिन आना चाहिए कि जब इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन ये दोनों चाहे इसके लिए जैसे जजेस की भर्ती होनी है पुलिस में भी इस तरीके से फोर्स में अगर आप एक्स्ट्रा भर्ती होती है खास काम पे लगा जाता तो थोड़ी सी इंसाफ मिलने में तेजी आएगी रफ्तार बढ़ेगा नफरी बढ़ाने से या संख्या बढ़ाने से पुलिस की क्वालिटी इंप्रूव कर जाएगी Uh, इसमें मैं नहीं मानता अगर स्पेशलाइजेशन होगी कि ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन <coughs> करेगा या आई जो भी है पुलिस से तो उसमें तो बढ़ेगी क्वालिटी बढ़ेगी क्योंकि उसको लॉ एंड ऑर्डर देखना ही नहीं पड़ेगा नहीं ये भी एक गलत धारणा है कि अगर हम अलग अलग कर दें तो एक बहुत अच्छा स्पेशलाइज इन्वेस्टिगेशन विंग बन जाएगा तो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम फास्ट हो जाएगी अ, मेरा तो हमेशा मानना ये है कि जो एक पुलिस ऑफिसर को हर काम सेम एक्सपर्टीज के साथ करना चाहिए लेकिन ऐसा होता नहीं है तो आ, नफरी बढ़ाने से क्योंकि उसकी कोई उसका कोई अंत नहीं है अभी आ, मसलन दिल्ली पुलिस में करीब पचासी नब्बे, नब्बे हज़ार लोग हैं और एक शहर के लिए नब्बे हजार लोगों के पुलिस फोर्स जो है काफ़ी होना चाहिए और उससे हम शहर को ठीक से पुलिस कर सके नब्बे में से पंद्रह बीस परसेंट ही होते हैं सड़क पे बाकी सभी वीवीआईपी ड्यूटी या फिर कोर्ट या बाकी जगह होते हैं एग्जैक्टली exactly. तो ये सब चीज इन चीजों पर हमें नजर डालनी चाहिए क्या ये सही है क्या इसमें हम लोग कोई इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इत्यादि इत्यादि सुनील साहब आपसे जानना चाहेंगे जो इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है चलिए फैसला कल सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट में में आना है निर्भया के चारों का परसों अगर सब कुछ सारी चीजें हो जाती हैं सारी दुश्वारी दूर हो जाती है क्या इन चारों को एक साथ तिहाड़ जेल में फांसी दी जा सकती है क्योंकि अभी तक तिहाड़ में ऐसा हुआ नहीं है सिर्फ दो लोगों को एक साथ दी गई तो क्या मुमकिन है एक साथ फांसी देखा आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि मैंने जो फांसी देखी है अभी तक आठ फांसी जैसे आपने पहले बताया है उसमें दो को जो है एक साथ थीन करतार उजागर की दोनों की एक साथ थी रंगा बिला की एक साथ थी और सतवंत सिंह केयर सिंह की एक साथ थी जो मेरा सोचना है कि अगर थोड़ा सा आप इम्प्रूवमेंट करें जो फांसी का जो आ, हमारा जो फांसी कोठी है आपने वो सब देखा हुआ फांसी कोठी आप अगर रहते इस वक्त वहाँ जेलर हाँ तो चारों के एक साथ आप फांसी दे सकते थे हाँ मे, मेरे हिसाब से उस पर थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके उसको आप क्योंकि एक तरह का खड़ा करना होता है और उसके बाद आपने लीवर खींचना होता है लीवर खींचा आपने तो फटे नीचे गिरते हैं और आप लटक जाते हैं तो मेरे हिसाब से कर सकते हैं चलिए आप तमाम लोग आए शुक्रिया लेकिन एक चीज आपको बताऊं कि अभी निर्भया के गुनहगारों को फांसी नहीं होगी इस बात की तो मैं गारंटी दे सकता हूं इसलिए कि तिहाड़ जेल के जो जस हाँ पहले आप बताओ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और फांसी एक अंग है एक जज सोसाइटी का जी जज सोसाइटी बनाने में हम टाइम बाउंड कोई प्रोग्राम देश के सामने हमारी सरकारें रख पाएंगी यही मेरा सवाल है आपने बिल्कुल सही कहा है। उसी के ऊपर हम बात कर रहे थे तो मैं ये कह रहा था कि तिहाड़ जेल के जो जेलर हैं उन्होंने 9 दिसंबर को एक लेटर लिखा यूपी गवर्नमेंट को दो जल्लाद मांगे थे फांसी देने के लिए एक जल्लाद शायद बीमार हैं वो आएंगे नहीं दूसरे जो जल्लाद हैं मैंने इसलिए कहा कि अभी फांसी नहीं होगी शायद इस बार फांसी जल्लाद दे क्योंकि वो जल्लाद इसी हॉल में बैठे हुए हैं पवन जल्लाद पवन कुमार मेरठ से आए तो इसीलिए मैंने कहा कि जब तक वो यहाँ हैं उन चारों का भी फांसी नहीं होगी तो पवन जल्लाद यहीं हमारे साथ बीच में ही बैठे हुए हैं कहीं और स्पेशली उनको बुलाया गया था अगर एक आखिरी पवन साहब आप कुछ कहना चाहें वही माइक दे दीजिए अच्छा आइए आइया इन्होंने अपने दादा और अपने पिता के साथ फांसी दी है और तिहाड़ में इनको मौका मिला तो पहले इनकी फांसी होगी आपको अगर निर्भया के गुनाहकारों को फांसी देने का मौका मिले तो फिर आप कुछ कहेंगे बिल्कुल भाई जरूर तैयार हो रेडी हूँ कैसे रेडी आप रेडी तैयार है कि जब मुझे त्यार जेल वाले बुलाएंगे मैं बिल्कुल अवश्य जरूर जाऊँगा आपके नाम के आगे जल्लाद लगता है आपको सुनने में अच्छा लगता है नहीं मुझे कोई बुरा नहीं लगता इस बात से क्यों? मेरा मेरा खानदानी पेशा है किसी की जान लेना पेशा है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है जो निर्भया कांड है बहुत ही दर्दनाश जो हरकत करी है तो इनको तो फांसी होनी ही चाहिए तो आपको उम्मीद है कि क्योंकि अफजल गुरु में आपकी शिकायत थी कि आपको बुलाया नहीं गया ये उस वक्त ये थे इन्होंने कहा कि चूंकि मामला थोड़ा सा सीरियस था बाहर लीक ना हो जाए इसलिए नहीं बुलाया लेकिन इस बार उम्मीद है कि आपको बुलाएंगे फोन आया गया जी अभी तक तो मुझे कोई फोन नहीं आया कोई आदेश नहीं आया अगर ये बुलाएंगे कोई आदेश करेंगे नखल होल तो मैं जरूर आऊंगा बिल्कुल एक साथ चार लोगों को आप अकेले फांसी दे सकते हैं बिल्कुल मैं बिल्कुल सक्षम हूँ सक्षम इससे पहले आपने दो फांसी देखी पांच फांसी दी मैंने एक साथ दो लोगों को दो लोगों को कहाँ पे थी थी ये मैं दो पटियाला में एक जयपुर में और एक आगरा में और एक जो है तो इलाहाबाद में चार पहली बार होगा पाँच। नहीं नहीं इस बार अगर आप देंगे तो चार एक साथ लोगों को पहली बार तोड़ेगा चलिए दादाजी का आप रिकॉर्ड तोड़ेंगे थैंक यू और आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू